Only handsome boy, only sale, only you. Acha, only me. You tell handsome boy only me. Okay, only me. No other guy, you told. But वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में वियतनाम सीरीज के। आई होप जो मैं वियतनाम सीरीज लेकर आया हूँ, जो जो वीडियोस फिलहाल 4 या 5 अपलोड करे हैं, आपको सारे ही पसंद आ रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो। उसी तरीके से मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि और अच्छे अच्छे और बेहतरीन से वीडियोस वियतनाम के लाते रहो। एनीवेज, इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाला हूँ एक स्काई बार जो कि बहुत फेमस है होचीमी सिटी में, जहाँ से व्यूज अमेजिंग आते हैं शाम के टाइम में स्पेशली। उसके पहले हम एक वेंथियन मार्केट जाते हैं जो सबसे बड़ा मार्केट है वन ऑफ द होचीमी सिटी वियतनाम। वहाँ हम देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं, स्पेशली स्ट्रीट फूड रहता है, फ्रूट्स रहते हैं, आई डोंट नो, सिर्फ मैंने भी नाम सुना है और रिव्यूज पढ़े हैं, काफी बड़ा मार्केट है। तो सबसे पहले हम वो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, फिर शाम हो जाएगी लगभग, तो शाम में हम जाएंगे स्काई बार जो कि बहुत प्यारा है, और उसके बाद हम जाएंगे ये क्लब वीई गेमिंग जो कि वन ऑफ द बेस्ट कैसीनो है होचीमी सिटी वियतनाम में। खैर, कैसीनो का एक्सपीरियंस मैं ज्यादा शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कोई भी कैसीनो में इतना शूट अलाउड नहीं होता है, लेकिन वीडियो अंत तक देखना, पूरा देखना, क्योंकि हम देर रात यहीं पे एंड करने वाले हैं वीडियो। बाकी का अट्रैक्शंस हम कवर कर लेते हैं, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले हम जाते हैं, टूर करते हैं बेंथन मार्केट का, और ये मैंने गो राइड बुक कर दी है जिसका मेरे को 21,000 डोंग पे करना पड़ेगा, यानी कि तकरीबन होता है ये 60 से 62 रुपया। अभी बस 2 से 3 मिनट में यहाँ इस रोड पे मेरे को लेने आई जाएगी। होचीमी सिटी में ना इतनी टू व्हीलर है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। फोर व्हीलर बहुत कम मिलेगी आपको, हर बंदे के पास टू व्हीलर दिखाई देगी, स्पेशली शाम के टाइम तो इतना ट्रैफिक जाम रहता है ना, टू व्हीलर से भरा हुआ, सिर्फ टू व्हीलर दिखेगी आपको स्ट्रीट पे। गाइस, इतना ट्रैवल करना, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना, इसका अलग ही मजा आता है, लेकिन समर्स और धूप में घूमने में हो जाती है दिक्कत, क्योंकि उसमें फिर पसीना आता है और फिर उससे हो जाती है खुजली। इसलिए मैं कहीं भी जाता हूँ घूमने या फिर समर्स हो तो इसको साथ ले जाता हूँ, और नहाने के बाद हमेशा रोजाना यूज करता हूँ। बिकॉज आप नहाने से फ्रेश तो हो जाते हो, लेकिन वो फ्रेशनेस ज्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, क्योंकि आप फ्रेश होते हो उसके बाद बाहर बाहर घूमने निकलते हो, फिर पसीना आता है, इचिंग होती है, तो आपकी फ्रेशनेस चली जाती है। और मेरे को दूसरों से अच्छा ये एब्जॉर्ब का डस्टिंग पाउडर काफी असरदार लगता है, बिकॉज इसमें जो टैल्क और स्टार्च का कॉम्बिनेशन है ना, वो मेरे एक्सेस वेट को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके वजह से मैं मेरे पसीने को कंट्रोल कर पाता हूँ और फिर उसी के कारण इचिंग को भी कंट्रोल कर पाता हूँ। एब्जॉर्ब डस्टिंग पाउडर को मैं रोजाना इस्तेमाल करता हूँ नहाने के बाद, जस्ट अप्लाई इट इन योर शोल्डर्स, अंडरआर्म्स एंड देयर यू गो, और मैं इजीली धूप हो या समर्स ट्रैवल और एक्सप्लोर कर पाता हूँ। तो गाइस, आप भी इसको रोजाना यूज करें और अपने पसीने को कंट्रोल में रखें और फिर इचिंग से भी दूर रहे। लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। और आगरा का ताजमहल नहीं है, नॉर्थ गेट, साउथ गेट, वेस्ट, ये मार्केट ऐसे बड़ा है ना डॉम के नीचे पूरा, तो इसमें भी ऐसे गेट से, और मैंने साउथ गेट से एंट्री मारी है, और मारते ही मैन के लिए सूट्स या फिर लेडीज के लिए वो डिजाइनर सूट्स वगैरह सिलाने के कपड़े वगैरह है, फिर वॉचेस थे, फिर अब ये देख लो बैग्स है, मतलब मेरे को शूज है, मेरे को लग रहा है ये मार्केट में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अभी तो और एक्सप्लोर करना बाकी, अब तो शुरुआत ही की है, लेट्स सी कि अभी क्या अलग चीज दिखती है इस मार्केट में, उसके रेट्स क्या हो सकते हैं, है ना। Hi. How are you? Great. Any special thing here? Okay. Yeah, it's going good. Where are you from? Mumbai, India. India. Yeah. Which India? You India? Oh wow. Then I'm from Vietnam. I'm a Vietnamese. Did you buy more something? Oh, so what is special? What is special in Vietnam? Like, yes. What should I buy? Magnet, keychain. Okay. Keychain, right. Different design, different ride. And what is this? How much? Wallet. How much? $20,000 for one. For one? Yeah, this is for six. One, two, three, four, five, six.
ओके 20,000 120 वॉलेट यस बेड बंदर व्हाट इज द लास्ट प्राइस बेड राइट 100 100 मतलब यार तब 300 रुपया हो गए इनका 100 मतलब होता है 1,00,000 ठीक है तो उसका 300 रुपया हो गया 6 for 60 ओके 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 6 for 60 10 for each नो मनी Killing right. Very cheap because you handsome boy. I am handsome boy. $200,000 क्या बोल रहे हो मैडम समझ में नहीं आ रहा है. I am married. मैं क्या कह रहा हूँ कि last 70 okay? Come on. Yeah, 200. 70. $200,000. 70? Yeah. Okay, cool. I am giving you more, you know, but still it's okay. I am happy because you told me I am handsome. 60,000 डोंग से ज़्यादा देने नहीं वाला था क्योंकि मैंने देखा था कि 6% तो बस एक का 10,000 से ऊपर दूंगा नहीं लेकिन फिर जाते जाते इन्होंने कहा कि यू आर हैंडसम आई से ओनली यू दिस राइट हैंडसम बॉय ओनली से ओनली यू अच्छा ओनली मी यू टेल हैंडसम बॉय ओनली मी ओके ओनली मी नो अदर गाय यू टोल बट आई एम मैरिड Okay, bye. Thank you so much. Guys. No, but I don't want coffee. I really like a YouTuber. Okay. You like YouTuber? So you want promotion of your shop? Okay. So is this your coffee shop? Yeah. Okay. This is my shop. भैया यहाँ पे आओगे मार्केट में तो ये यहाँ पे नाम पढ़ लो बोल नहीं पा रहा हूँ लेकिन यहाँ से कॉफी एक मिनट मेरे को देखने दो कैसी है इज इट वियतनामीज कॉफी Yes, Vietnamese coffee. Okay, and this all Vietnamese famous. How much? For 100 grams. Okay. Like this? मतलब 270 रुपए का 100 ग्राम है ये 250 ग्राम ओके दिस इज पाउडर राइट 250 ग्राम ओके ओके 225 माय बॉस टोल्ड मी नो डिस्काउंट बिकॉज़ वियतनामीज कॉफी वेरी फेमस नो डिस्काउंट योर बॉस टोल्ड नो ओके वियतनाम की कॉफी तो 100% फेमस होती है तो मेरे को भी पता है एकदम नामचीन है पूरी दुनिया में तो जब भी वियतनाम आओ ऐसी मार्केट में आओ ना और अगर लगेज का कुछ पंगा ना हो मेरी तरह तो कृपया करके मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कॉफी जरूर खरीदना बिकॉज बहुत यमी होती है वियतनाम कॉफी इज दिस लीची Lychee? Yeah, it's very big, it's very good, huh? Yeah, it's very good. 40,000 dong. 40,000 dong? It's very costly. No. What would be the final price? Okay, 30. No, it's just a normal bag, a piece of cloth. Yeah. No chain, nothing, just threads. What would be the final price? Please let me know. How many one you want? I want 3. Okay, you buy 3. Hmm. I give you 30,000 each. 30,000 each? Again, it's a costly. 3 for 40 is good. No? Okay, no problem. What? Final, how much? 50. No. 40. No? Okay. 40? Okay. Okay. Ek se bole duje. Dusri dukaan mein to aapko mili jate hai agar aapko aapke rates mein kuch products chahiye. Ye kaise design hai? अरे यार सब ऐसी डिजाइन है क्या भैया आई वॉन्ट दिस डिजाइन वियतनाम रिटर्न या ओके गिव मी दिस 3 थैंक यू बस अभी और ज्यादा कुछ नहीं खरीदना है सेटिस्फाइड हूँ थोड़ा बहुत सोवेनिया चाहिए था वो ले लिया बस हो गया अपना काम बाकी तो कुछ लेना है नहीं सिर्फ लुक अराउंड कर रहा हूँ मार्केट को जो कि काफ़ी बड़ी है प्यारी है लोग प्यारे हैं अच्छे हैं फ्रेंडली है समझ जाओ सारी चीज़ें अच्छी बाकी इस मार्केट में आपको ड्राई फ्रूट्स सोवेनियर्स भरपूर मिलेंगे और बाकी कपड़े वगैरह तो यहाँ से आप शॉपिंग नहीं कर सकते हो पिछला वीडियो आपने देखा ही है कि मैंने भी कपड़े वगैरह शॉपिंग की थी जिसमें हाउ एक्सपेंसिव इज़ वियतनाम मैंने उसका वर्णन किया है जिक्र किया है अभी हम कहीं और जाते हैं घूमते फिरते हो ची मिन सिटी है ना
ऐसा लगेगा कि रैली निकल रही है, बहुत टू व्हीलर है। एनीवेज हम पहुंच गए हैं इंडिपेंडेंस पैलेस के सामने, जो कि वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है व्हेनेवर यू कम टू साइगांव या फिर हो ची मिन सिटी। साइगांव हो ची मिन सिटी दोनों एक ही नाम के शहर है, दोनों नाम एक ही शहर के। एनीवेज ये रहा इंडिपेंडेंस पैलेस, जो कि मस्ट विजिट प्लेस है व्हेनेवर यू कम टू वियतनाम। ये सुबह 8 बजे खुलता है टूरिस्टों के लिए, जिसमें आप ये मेन गेट से अंदर जा सकते हो। कोई एंट्री फी तो होती नहीं है, फ्री है, लेकिन होती भी रहेगी तो आई डोंट बिलीव कि 30-50 रुपये इंडियन करेंसी से ज़्यादा लगता होगा, बहुत सस्ती रहती है। और शाम को दोपहर को 3:30 बजे हो जाता है बंद। और जो नेक्स्ट स्टॉप पड़ता है टूरिस्ट अट्रैक्शन में, वो आगे है वॉर म्यूजियम, उधर भी आप जा सकते हो। वहाँ पे एंट्री फी है शायद मेरे हिसाब से 50,000 डोंग था, यानी कि 150 रुपया था। और यहाँ पे इस तरफ जाओगे तो नज़दीक ही है, बस 3-4 मिनट बाय वॉक करोगे तो एक फेमस चर्च है और उसी के बगल में पोस्ट ऑफिस, साइगांव का सबसे पुराना पोस्ट ऑफिस। ये सारी अट्रैक्शन है मेन हो ची मिन सिटी में। इस वीडियो में मैं टूर नहीं कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि 2019 वाले वीडियो में आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, हो ची मिन सिटी के सारे अट्रैक्शन आपको मिल जाएंगे। अभी हम गोजैक की बाइक को बुलाते हैं और जाते हैं स्काई लाउंज, क्योंकि हो गया है शाम का समय और वहाँ से व्यू मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ काफ़ी शानदार आएंगे। है ना एकदम ढांसू सा व्यू। वहाँ पे वो जो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसके ऊपर मैं गया था 2019 में जब आया था, छिल स्काई बार, वो भी एक स्काई बार था। और मेरे को स्काई बार बहुत पसंद है, जो भी शहर में जाता हूँ अगर कसिनो अच्छा खासा रहता है वहाँ जाता हूँ, और स्काई बार रहता है वहाँ ज़रूर जाता हूँ। तो लेकिन ये फिलहाल है बंद, मेरे हिसाब से 2 महीने बाद खुलेगी। वो मोहतरमा कह रही थी लिफ्ट में, मैंने उनसे बात की छिल स्काई बार के बारे में, पूछा उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद खुलेगी। और यहाँ से व्यू देखिए आप कितना शानदार है। ये जो एयर स्काई बार है, इसकी अगर टाइमिंग की बात करूँ तो 5:30 बजे शाम को शुरू हो जाता है और रात को 1 बजे तक रहता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि सनसेट के टाइम आना, शाम को 5:30 के आसपास ही आना, ताकि कि आप सनसेट का अनुभव कर सको, अमेजिंग सा व्यू रहे और भीड़ भी ना रहे। बिकॉज वियतनाम में ना दिन जल्दी खत्म हो जाता है, अंधेरा जल्दी आ जाता है, तो 5:30-6 बजे भी अंधेरा आना स्टार्ट हो जाता है। वैसी तरह दिन शुरू भी जल्दी होता है, मतलब सुबह के 5-5:30 बजे धूप ही धूप दिखाई देगी वियतनाम में। एनीवेज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर रेट्स की बात करूँ तो यू कैन हैव योर हार्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक स्टार्टिंग फ्रॉम 1 लाख डोंग, मतलब आप कह सकते हो 300 इंडियन रुपीज। चीयर्स। अंधेरा होते ही कितना खूबसूरत लग रहा है, सारी चीज़ें क्या चमक रही है, मज़ा आ गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि नो मैटर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, नो मैटर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो, नो मैटर आप कपल में ट्रैवल कर रहे हो, बस मज़े लेने आने चाहिए, मज़े लेते रहिए लाइफ में, ठीक है। हाय, स्काई बार, या आई लव्ड इट कम्प्लीटली, इट वॉज अमेजिंग, थैंक यू सो मच। या वॉट अबाउट माई पार्सल आई गेव यू, थैंक यू सो मच, बाय।
तो गाइज हम फाइनली आ गए हैं वो जगह पे जहाँ से ये वीडियो की शुरुआत की थी। बेसिकली वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था ना कि हम एंड में रात के समय में जाएंगे इस वी गेमिंग कैसीनो में और एक्सपीरियंस करेंगे हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम के कैसीनो का। बस वही बात है कि अभी फाइनली अभी 9:15 बज गए रात के, ये 24 घंटा चालू रहता है। नो मैटर आप रात को 4 बजे जाओ, नो मैटर दिन के 4 बजे जाओ, ये कैसीनो हमेशा चालू रहता है। आप कभी भी जा सकते हो। खाना पीना मेरे को नहीं पता अंदर फ्री होगा कि नहीं, वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, लेकिन कोई एंट्री फी वगैरह नहीं रहती है, ये है पक्की बात। तो विदाउट एंट्री हम जाते हैं अंदर और एक्सपीरियंस करते हैं कैसीनो वियतनाम का। लेट्स गो। $42 मतलब मैंने 1 मिलियन डॉम दिया था जिसका मुझे $42 मिला और उससे मैंने खेला और आ गया मेरे पास $170। मतलब आप कह सकते हो तकरीबन $128 मैं जीत गया हूँ, यानी कि तकरीबन 9000 रुपया इंडियन करेंसी में होता है मैं जीत गया हूँ। चलो वियतनाम थोड़ा तो वसूल हो गया। और ऐसे मेंबरशिप कार्ड देते, मजे की बात है कि आपको पासपोर्ट या तो सॉफ्ट कॉपी भी चल जाएगा फोन में, आपको आना है सॉफ्ट कॉपी बताना है, फिर ये आपका मेंबरशिप कार्ड बनाएगी। आप देख सकते हो जैन प्रतीक प्रकाश लिखा है, तो इसमें ये $20 ऊपर फ्री देते जो कि नॉन रिडीमेबल रहता है, मतलब आपको खेलना रहता है उस चीज का। फिर भी वो आप खेल रहे हो तो $20 पूरा समझो, रियली समझो, है ना, वो अच्छी बात है। लेकिन बता दूं कि 4 घंटे लग गए, 4:30 घंटे, 9 बजे के आसपास आया था, अब बज रहे 1:30। अभी ऐसे 5 मिनट बाय वॉक ही है मेरी होटल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो वॉशरूम वगैरह में है ना, ये चीज मेरे को अच्छी लगती है। एक तो खाने पीने की सुविधा तो है ही है, बस ये देखो आप लेके जा सकते हो ब्रश टूथपेस्ट, मतलब सारी चीज़ ऐसे रहती है। कैसीनो थोड़ा ये सब चीज़ों का ध्यान रखता है, ये चीज़ अच्छी लगती है मेरे को। तो भाई सॉरी मैंने आपको ज़्यादा बता नहीं पाया अंदर कैसीनो का एक्सपीरियंस वगैरह, बिकॉज अंदर शूट अलाउड नहीं है, वरना अंदर मज़ा आता है क्योंकि आप खेलते रहते हो और जितना लिमिट है उतना ही खेलना चाहिए। मेरे को तो क्या शौक है, एक आप कह सकते हो कि कहीं भी मैं फॉरेन वगैरह जाता हूँ ना तो मेरे को शौक है कि एक बार जरूर कैसीनो विजिट करूँ। लेकिन हाँ पूरा ध्यान रखता हूँ ये चीज़ का कि अपने लिमिट में ही खेलूँ, मेरा जो बजट रहता है थोड़ा बहुत उतना ही खेलूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं खेलता हूँ। और मैं भी ये आपको बता देता हूँ कि ये गैम्बलिंग है तो इसको उस हिसाब से ही खेलना चाहिए, रिस्क के साथ ही खेलना चाहिए, रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए उतनी, उससे ज़्यादा आपको कभी ये सब चीज़ों में पंगा नहीं लेना चाहिए, घुसना नहीं चाहिए। एनीवेज जैसे कि मैंने ये कहा कि ये मेरा पैशन है, मैं कुछ ड्रिंक वगैरह तो करता नहीं, स्मोकिंग वगैरह करता नहीं, सिर्फ एक ये है कि जिधर भी जाता हूँ तो थोड़ा सा छोटा सा हल्का सा अमाउंट कैसीनो में खेल लेता हूँ, क्योंकि क्या है ना खाना पीना टाइम पास भी हो जाता है, खाना पीना वगैरह भी मिल जाता है। हाँ लेकिन जोक सपाट, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ कि खाना पीना मिले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस एक्सपीरियंस करने का मजा आता है, वही बात है। और अंदर से मैंने पानी की बोतलें भी ले ली, बाकी तो फ्रेंच फ्राइज वगैरह खाया बिकॉज वेजिटेरियन में वही ऑप्शन था, नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो आपको पता है 20 ऑप्शन रहते हैं। एनीवेज मैं कह रहा हूँ कि आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। कैसीनो का एक्सपीरियंस तो कुछ बता नहीं पाया, लेकिन आई होप जो मार्केट आपको बताया, जो मैं स्काई बार लेके गया था, वो सारी चीज़ें काफ़ी पसंद आई। अभी बज गए हैं 1:30 रात के, तो मैं भी जाता हूँ सो जाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पता है क्या रहेगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ हनोई फ्लाइट में, जी हाँ नॉर्थ ऑफ वियतनाम में हनोई, तो बहुत खूबसूरत सा शहर है, मतलब ये है ना मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ये वो कैसीनो वगैरह। हनोई में शायद कैसीनो तो नहीं है, कल्चर कूट कूट के भरा है वियतनाम का, और इनफैक्ट कैपिटल भी है वियतनाम का। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे मजा आने वाला है, कुछ नया एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल एंड लव यू ऑल, बाय। 1:30 बज गए रात के, लेकिन फिर भी पार्टी अभी बाकी है। सच में ऐसा लग रहा है बैंकॉक और फुकेट की नाइट लाइफ को हो ची मिन्ह सिटी पीछे छोड़ने वाली है।